6 माह बाद माता कलेही के पट खुले। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक होंगे माता के दर्शन। वैश्विक महामारी के चलते पिछले 6 माह से बंद है प्रसिद्ध आस्था का स्थल माँ कलेही मंदिर। कल सोमवार को दर्शकों के लिए प्रशासन की मौजूदगी में खोल दिया गया। इसके पूर्व SDM अभिषेक सिंह एवं SDOP रक्षपाल सिंह यादव, तहसीलदार एवं मंदिर प्रशासक दीपा चतुर्वेदी, CEO जनपद प्रसन्न चक्रवर्ती, नगर निरीक्षक SP शुक्ला, नायब तहसीलदार आस्था चढ़ार, परियोजना अधिकारी DC अहिरवार सहित गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकारों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नियमावली तय की गई। बैठक में SDM ने बताया कि श्रद्धालुओं को बिना मास्क के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। नियमानुसार सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ साथ सर्दी जुखाम बुखार से पीड़ित व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जैसे कि सभी को पता है नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, और नवरात्रि के त्यौहार के लिए धारा 144 के अंतर्गत नवीन प्रावधान किए गए हैं, और इस विषय में सभी को अवगत कराया गया है। साथ ही साथ जो देवी जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिए अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से परमिशन लेकर ही करें, और मंदिर जो हमारे क्षेत्र अंतर्गत है किस प्रकार से इनको खोला जाएगा उसके दिशा निर्देशों के संबंध में सभी को अवगत कराएगा। अभी मंदिर खोला नहीं जा रहा क्या सर? मंदिर खोला गया है और नए दिशा निर्देशों के साथ खोला गया है, उस चीज को सभी को अवगत कराएगा।